एवरीवन वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अशिता। सो बिफोर सीइंग द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब कि आप बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हो अपनी बेसिक नीड्स के लिए, कुछ नेचर में होते हैं और कुछ ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं। तो ये जो लिस्ट है ना, ये सारे मटेरियलों की, वो एयर को इंक्लूड करती है, वाटर को, सॉइल को और मिनरल्स को। ये जो सारी है ये ऑब्टेन होती है नेचर से, तभी इनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। क्या एयर, वाटर, सॉइल एग्जॉस्टेड हो सकती है ह्यूमन एक्टिविटीज से? आपने स्टडी किया होगा वाटर के बारे में क्लास 7th में, कि जो वाटर है ना वो लिमिटलेस रिसोर्स है। ठीक है। इन द लाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज क्लासिफाइड इंटू टू काइंड्स। मतलब कि ये जो रिसोर्सेज है ना, इनकी अवेलेबिलिटी होती है नेचर में। ठीक है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना, वैसे ही टू काइंड्स में वो क्लासिफाइड है। ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं इन एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्स और दूसरा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। अब इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में है, ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ना, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है। और वो एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, मतलब कि वो एग्जॉस्टेड हो सकते हैं सिर्फ नेचर से। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी से वो एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते। एग्जाम्पल्स हो गए सनलाइट और एयर। अब आ गया एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो अमाउंट होता है ना रिसोर्सेज का नेचर में, वो लिमिटेड होता है और वो एग्जॉस्टेड हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज से। एग्जांपल होगा जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एसेट्रा। तो आप एग्ज्यूम करो कि जो ये ईटेबल्स होते हैं कंटेनर में, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो टोटल अवेलेबिलिटी होती है ना एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की, जैसे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। हर एक ग्रुप जो है ना, वो डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न से बना होता है। ये जो अर्लियर जनरेशन होती है ना कोई भी ग्रुप की, वो बहुत ही ग्रीडी थी। तो और अर्लियर जनरेशन जो थी ना, कुछ ग्रुप में थी वो कंसर्न करती थी कि कमिंग जनरेशन के लिए कुछ बचना चाहिए। इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे कि जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ना, ये फॉर्म होती है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब आ गया कोल। आपने देखा होगा कोल और सुना भी होगा कोल की, क्योंकि ये हार्ड होता है स्टोन की तरह और ब्लैक होता है कलर में। ठीक है। कोल एक ऐसा फ्यूल है जो कि कुक फूड करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है। पहले रेलवे इंजन्स के लिए वो यूज होता था कि वो प्रोड्यूस करे स्टीम, कि वो रन करे इंजन। ये यूज होता है थर्मल पावर की प्लांट्स के लिए, कि वो प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी। जो कोल है वो यूज होता है फ्यूल की तरह वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। अब कोल कैसे बना, अब यहाँ पे स्टोरी दे रखी है हमको कोल की। 300 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ थी ना, वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट थी और लो लाइंग वेटलैंड एरियाज था। ठीक है। ये जो नेचुरल प्रोसेसेस है ना, जैसे कि फ्लडिंग हो गया। ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है वो बरीड होते थे सॉइल के अंडर में। ठीक है। और भी बहुत सारा, जैसे जैसे सॉइल डिपॉजिट होती थी ना, वो कंप्रेस्ड हो जाते थे और इनका जो टेम्परेचर है ना वो रोज था और वो सैंक हो जाते थे डीपर और डीपर। मतलब जैसे जैसे वो अंदर जाता था सॉइल बढ़ती जाती थी, वो नीचे नीचे धंसते गए। ठीक है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर था, तो डेड प्लांट जो है ना वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जो कोल है उसमें बहुत सारा कार्बन होता है, ये स्लो करता है। तो ये स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन डेड वेजिटेशन इनटू कोल में, इनको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। ये बना था जब रिमेन्स होते हैं ना वेजिटेशन के, कोल के, तो इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये जो कोल माइन है ना, वो फिगर 5.2 में है। ठीक है। फिगर 5.2 में है, ये देख सकते हैं आप, ये कोल माइन है। जब ये हीट होता है एयर में, तो ये जो कोल बर्न होता है और वो प्रोड्यूस करता है
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कोल है ना वो प्रोसेस हुआ था इंडस्ट्रीज में कि हमको यूज़फुल प्रोडक्ट मिले, जैसे कि कोक हो गया, कोल तार हो गया और कोल गैस हो गया। अब आ गया कोक। कोक एक टोपोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये प्योर होता है कार्बन में। कोक यूज होता है कि वो मैन्युफैक्चर करे स्टील को और ये एक्सट्रैक्शन करे बहुत सारे मेटल्स, ठीक है। अब आ गया कोल तार। कोल तार ब्लैक होता है और थिक लिक्विड होती है जो कि जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। और ये मिक्सचर होता है किन किन का, ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये ऑब्टेन होते हैं कोल तार से और वो यूज होते हैं कि वो स्टार्ट करें, कि ये जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं कि वो मैन्युफैक्चर करें वेरियस सब्सटेंसेस हमारे डे टू डे लाइफ में और इंडस्ट्रीज में, जैसे कि सिंथेटिक डाइज हो गया, ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। ये सारे जो इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स होती है जो कि यूज होता है कि वो रिपेल करे मॉथ और अदर इंसेक्ट जो कि ऑब्टेन होते हैं किससे, कोल तार से। इन दिनों ये जो बीटुमन है ना ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और जो यूज होता है कि वो प्लेस करे कोल तार मेटलिंग रोड्स के लिए, ठीक है। अब आ गया कोल गैस। कोल गैस ऑब्टेन होता है जब ये जो प्रोसेसिंग होती है ना कोल की कोक निकालने के लिए यूज होती है किसके लिए, फ्यूल के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए जो कि सिचुएटेड होती है नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में, ठीक है। अब ये जो कोल गैस है ना वो यूज होती थी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए फर्स्ट टाइम लंदन में 1810 में, ठीक है, और न्यूयॉर्क में 1820। अब इन दिनों ये एक सोर्स होता है हीट का लाइट के रादर देन। अब आगे पेट्रोलियम। आप जानते हो कि जो पेट्रोल है वो यूज होता है एक फ्यूल की तरह लाइट ऑटोमोबाइल्स में, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार, हैवी मोटर व्हीकल जैसे ट्रक, ट्रैक्टर जो कि रन होते हैं डीजल में। ये जो पेट्रोल और डीजल है ये ऑब्टेन होते हैं नेचुरल रिसोर्स और इनको हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये जो वर्ड है ना पेट्रोलियम ये कहाँ से आता है, पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल, और ये माइंड होता है बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ जैसे कि आपको शो किया हुआ है, ठीक है। ये कैसे पेट्रोलियम बना, ये जो पेट्रोलियम है ना ये बना था जब ऑर्गेनिज्म जो कि सी में रहते थे ना और ऑर्गेनिज्म जो कि डाई करते थे उनकी जो बॉडी सेटल हो जाती थी बॉटम में सी के, वो कवर हो जाती थी लेयर्स ऑफ द सैंड्स और क्ले से। मिलियंस ऑफ एयर और एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये जो हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है ना ये ट्रांसफॉर्म हो गया था डेड ऑर्गेनिज्म से पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। ये हमको दिखाता है कि जो डिपॉजिट्स होती है ना पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की, जो कि ये जो लेयर जो कि कंटेन करता है पेट्रोलियम ऑयल और गैस अबव द वाटर, तो ये क्या होता है, अब रिकॉल करिए ऑयल और गैस जो कि लाइटर होते हैं वाटर से वो मिक्स नहीं होते। ये जो वर्ल्ड है ना जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल है ऑयल वेल वो ड्रिल्ड हुआ था पेंसिल्वानिया में USA में, ठीक है, 1859 में। ये जो 8 ईयर्स लेटर 1867 में जो ऑयल है ना वो स्ट्रक हुआ था एक मैकम में असम में। इंडिया में जो ऑयल है ये असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई में मिलता है और मुंबई हाई में मिलता है और रिवर बेसिन्स में जैसे गोदावरी और कृष्णा में, ठीक है। अब आ गया रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। अब ये जो पेट्रोलियम है ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है, ये इसकी एक अनप्लीजेंट ऑडर होती है, मतलब बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो ये मिक्सचर होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, तो ये जो एसेट्रा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना सेपरेट करने का, ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस पेट्रोलियम में, इनको हम रिफाइनिंग कहते हैं और ये कैरिड होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी से, ठीक है। जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना पेट्रोलियम को और उनका यूज़ वो दे रखा टेबल 5.1 में, ये देख सकते हैं ये टेबल 5.1 में हमको ये दे रखा है, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब आ गया
जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। इन टर्म्स को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। वो यूज होते हैं कि वो मैन्युफैक्चर करे डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन, अदर मैनमेड प्लास्टिक। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है ना वो ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस से, वो यूज होती है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में, जैसे यूरिया। ठीक है, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस, मतलब इसकी इम्पॉर्टेंस से जो पेट्रोलियम है ना इनको हम ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। अब आगे नेचुरल गैस, ये जो नेचुरल गैस है ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये बहुत ईजी होती है कि वो ट्रांसपोर्ट करे पाइप से। ठीक है, जो नेचुरल गैस है ना वो स्टोर होती है अंडर हाई प्रेशर और वो कंप्रेस्ड होती है नेचुरल गैस, जैसे कि CNG। जो CNG है वो यूज होती है पावर जनरेशन के लिए, और अब वो यूज होती है फ्यूल की तरह कि वो ट्रांसपोर्ट करे व्हीकल्स, क्योंकि ये लेस पोल्यूट करती है और ये क्लीनर फ्यूल है। ग्रेट एडवांटेज ये होता है CNG का कि ये यूज हो जाती है डायरेक्टली बर्निंग होम्स और फैक्ट्रीज में, जहाँ पे ये सप्लाइड होती है थ्रू पाइप से। ठीक है, ये जो नेटवर्क होता है ना पाइपलाइंस का, वो एग्जिस्ट करता है वडोदरा में। ठीक है, जो कि गुजरात में है, कुछ पार्ट्स दिल्ली का और अदर प्लेसेस का। जो नेचुरल गैस है ना वो स्टार्ट करता है, एक स्टार्टिंग मटेरियल है कि वो मैन्युफैक्चर करे नंबर ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। इंडिया एक वास्ट रिसर्व्स है नेचुरल गैस की। हमारी कंट्री में जो नेचुरल गैस है ना फाउंड होता है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और रिवर बेसिन जैसे कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, अब आ गया सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। आपने स्टडी किया होगा चैप्टर के बिगने में कि जो नेचुरल रिसोर्स है ना ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया और एक्सेट्रा। ठीक है, आप जानते हो कि जो कोल और पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, इनको रिक्वायर्ड करने के लिए डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं कि वो कन्वर्ट करें फ्यूल्स में। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो ये जो इनके रिसर्व करती है, और ये मतलब कि रिसर्व करती है ये जो लास्ट है सिर्फ फ्यू हंड्रेड ईयर्स में। ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्निंग होती है ना फ्यूल्स की, वो मेजर कॉज होती है किसकी, एयर पोल्यूशन की। ठीक है, तभी इनका जो यूज़ है ना वो लिंक होता है ग्लोबल वार्मिंग से। ये तभी नेसेसरी है कि हम यूज़ करें फ्यूल्स जब ये नेसेसरी हो। ठीक है, ये रिजल्ट करता है बेटर एनवायरनमेंट में, स्मॉलर रिस्क में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और उनके अवेलेबिलिटी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है ना, ये एडवाइस करती है कि जो पीपल है ये कैसे सेव करें पेट्रोल डीजल ड्राइविंग करते समय, ये टिप्स हमको दे रखी है। और PCRA की फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, अब ये हमको पॉइंट दे रखे हैं, हमको ड्राइव करनी चाहिए कंस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, हमें स्विच ऑफ करनी चाहिए इंजन्स ट्रैफिक लाइट्स में या फिर प्लेस जो कि आपको रुकना पड़ रहा है। अब आप इंश्योर करिए करेक्ट टायर प्रेशर, कि आप कितना टायर प्रेशर को, मतलब सही टायर प्रेशर को आप यूज़ करिए। अभी इंश्योर करिए कि जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है व्हीकल की। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आप अगर कर लेंगे तो आप पेट्रोल और डीजल को सेव कर लेंगे। तो हमने अभी पूरा चैप्टर 5 कवर कर लिया है कोल और पेट्रोलियम की। इफ़ यू लव द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय फ्रेंड्स।